हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका एक नया अध्याय यानी कि विद्युत धारा, जो कि आपके यूनिट नंबर 2 का चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर अपने आप में अकेले एक यूनिट है, ये चैप्टर अपने आप में अकेले एक यूनिट है। और इस चैप्टर से हर साल आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर या कभी कभी 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 4 से लेकर 8 अंक तक क्वेश्चन जो है, यानी कि 8 अंक तक जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 4 से 8 नंबर तक आपको ये चैप्टर दिला सकता है, ये अपने आप में अकेले एक यूनिट है। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे बेटा लाइव देख रहे हैं, एक बार, ठीक है, इस सेशन को जल्दी से फटाफट शेयर कर दो। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को शुरू से लेके पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे चैप्टर में कहीं आपको कोई दिक्कत ना आए, कहीं ये चीज सुनने को ना मिले कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर आप हर एक सेशन, हर एक चैप्टर की शुरुआत से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, शुरुआत से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो बीच में आपको कहीं ये समस्या आ ही नहीं सकती, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप कोई सेशन छोड़ते हो या सेशन आप डेली अटेंड कर रहे हो, अटेंड करने के दौरान आपका कंसंट्रेशन बोर्ड के बजाय लाइव चैट में लगा हुआ है, तो फिर और दिक्कत होगी, ठीक है। फिर हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आप 100% डेडिकेशन के साथ चीजों को देखोगे, तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि जो आपके दिमाग में ना घुसे या आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए करते हैं बच्चों सेशन की शुरुआत। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जल्दी से सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। वॉइस और स्क्रीन वगैरह सब कुछ क्लियर है? कमेंट सेक्शन में जल्दी आप लोग बताइए, ठीक है, क्लियर है। चलिए आज के इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, अपने मन से मैं रिपीट कर दूंगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आप पूरा ध्यान लगाइए पढ़ने पे, लाइव चैट में बिल्कुल भी चैट ना करें, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करें बेटा अगर हम विद्युत धारा की, यानी कि विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये होता क्या है, इसकी अगर हम बात करें विद्युत धारा, ठीक, क्लियर। तो ये क्या होता है, ये चीज अगर देखा जाए तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हर एक बच्चे के जुबान पे ये चीज रटी हुई होगी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों रटी होगी, क्योंकि आप ये चीज कक्षा 10 से ही पढ़ते आए हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी चीज को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। लेकिन जो आवेश प्रवाह की दर है, इससे हम नई डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, वो चीज देखो। तो सबसे पहले इसकी मेन परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी, वही जो आप जान रहे हो, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, आप जो चीज जान रहे हो वही चीज है, कोई नई चीज मैंने आपको नहीं बताई, ठीक, जो चीजें आप जान रहे हैं वही चीज है, ठीक। अब जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई चालक है, मान लेते हैं ये हमारा कोई चालक है ए बी, ठीक है, इस चालक से टी समय में, कितने समय में, टी समय में, कितने समय में, टी समय, टी समय में मान लेते हैं कोई क्यू कूलाम का आवेश, कितने कूलाम, क्यू कूलाम का जो आवेश है, ठीक है, आवेश है, वो किसी चालक तार से क्या हो रहा, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। टी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा, क्यू कूलाम, तो इस चालक तार में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, तब इस चालक तार में जो बहने वाली धारा आई होगी, आई बराबर कितनी हो जाएगी, क्यू बटे टी, क्यू बटे टी, ठीक। यानी अगर हमारे पास कोई चालक है और उस चालक में टी समय में, कितने समय में, टी समय में
कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यू कूलाम का अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक तार से जो बहने वाली धारा होगी वो कितनी होगी, आई बराबर क्यू अपान टी, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर। वैसे अगर इसका इसको देखो, इसका मात्रक क्या होगा, क्यू, क्यू का मात्रक कूलाम, टी का मात्रक सेकंड, तो कूलाम बटे सेकंड भी इसका मात्रक होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कूलाम बटे सेकंड, कूलाम बटे सेकंड, इसको हम लोग एम्पियर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो चलो इसको परिभाषा में कन्वर्ट करते हैं। माना किसी चालक में, माना किसी चालक में, किसी चालक में टी समय में, टी समय में क्यू कूलाम, टी समय में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, क्यू कूलाम का आवेश क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में बहने वाली जो धारा होगी कितनी हो जाएगी, बहने वाली धारा या बहने वाली विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपान टी होगा, क्यू अपान टी होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, सबसे पहले क्या चीजों को समझो और वहां से परिभाषा जो है खुद निकालने का प्रयास करो, क्योंकि चीजों को अगर आप रटते हुए चलोगे तो हमेशा वो भूलता हुआ चलेगा, लेकिन समझकर अगर आप खुद परिभाषा बनाओगे तो वो चीज नहीं भूलेगी। जैसे अभी हमने देखा कि हमने माना ये हमारा कोई चालक तार है जिसमें टी समय में, कितने समय में, टी समय में, टी समय में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यू कूलाम। तो इस चालक तार से जो बहने वाली धारा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू अपान टी। ये किसके अकॉर्डिंग होगी, परिभाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अच्छा अब एक चीज ये बताओ, अगर यहां पे हम समय टी का मान एक सेकेंड रख लें, यदि टी बराबर एक सेकेंड रख लें, क्या रख लें, टी बराबर एक सेकेंड रख लें, ठीक। और क्यू का मान, मान लेते एक सेकेंड में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, एक कूलाम, ठीक है। तो यानी कि एक सेकेंड में अगर एक कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तब उस चालक तार से जो बहने वाली धारा होगी वो कितनी हो जाएगी, एक बटे एक, यानी कि एक एम्पियर, एक एम्पियर होगी ना। यानी कि अगर कोई हमारा चालक है, कोई चालक है और उस चालक से अगर एक सेकंड में, कितने एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, तो यानी कहने का मतलब यह है कि उस चालक से जो बहने वाली धारा होगी वो क्या होगी, एक एम्पियर होगी। अब इसी के आधार पर कभी कभी एक एम्पियर की परिभाषा भी पूछ ली जाती है एक नंबर में, कभी कभी एक एम्पियर की परिभाषा पूछ ली जाती है। तो अगर आपको एक एम्पियर की परिभाषा लिखनी हो तब क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, यदि किसी चालक तार से, यदि किसी चालक तार से टी समय की जगह एक सेकंड में समय का मान कितना लिया गया, एक सेकंड, तो वही परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन करो, जो टी समय लिखा उसमें क्या लिखोगे, एक सेकंड में, जो क्यू कूलाम लिखा वहां पे क्या लिखोगे, एक कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक तार में जो बहने वाली विद्युत धारा होगी वो कितनी होगी, एक एम्पियर होगी, एक एम्पियर होगी। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। फिर से देखो क्या परिभाषा है कि यदि किसी चालक तार से, यदि किसी चालक तार से या किसी चालक में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से जो बहने वाली धारा होगी वो कितनी होगी, एक एम्पियर होगी, कितनी होगी, एक एम्पियर होगी, ठीक बात। चलिए अब आपके और आपके लिए और इंपॉर्टेंट और जरूरी एक और चीज है, जरा उस पर थोड़ा आप लोग एक नजर देखिए। देखिए जो भी बच्चे बेटा अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो बहुत जल्द आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से
2023 की बोर्ड एग्जाम में बच्चों ने मैक्सिमम अंक स्कोर किया है। तो इस तरीके से बेटा हम चाहते हैं कि आप लोग भी मैक्सिमम अंक स्कोर करें, जिसके लिए इस बैच की प्राइज यानी कि टॉप 100 बैच की प्राइज सिर्फ और सिर्फ यानी कि मात्र 1499 रुपए है। कितना है? 1499 रुपए। अगर एक तरीके से देखा जाए तो 1499 रुपए बहुत ज्यादा फीस नहीं है। ठीक है, क्यों बहुत ज्यादा नहीं है? आप किसी भी कोचिंग में अगर जाओगे, हर एक सब्जेक्ट की अगर आप कोचिंग करोगे, तो 1000 रुपए पर मंथ से कम में किसी भी कोचिंग में बात नहीं होगी। ठीक है, और पर मंथ कितनों का, अगर आप जुलाई से पढ़ोगे तो फरवरी तक पढ़ोगे, तो जुलाई से फरवरी तक टोटल आपके 8 मंथ हो जाएंगे, तो देखा जाए टोटल फीस आपकी हुई 8000। उसके हिसाब से यहां पे बिल्कुल फीस देखा जाए काफी कम है। और इसी में आपको हर एक सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, पिछले 2-3 सालों के पेपर भी पूरा सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही साथ हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। और उसके साथ साथ आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाएगा, जिस दिन आपका लास्ट पेपर रहेगा, पेपर के 2 घंटे पहले तक आपकी क्लास चलेगी, आपको तब तक चीजों को पढ़ाया जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैच में भी आपको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बैच के अंदर आपको लाइव क्लास मिल रहा है, साथ साथ डाउट सॉल्विंग क्लास भी मिल रही है, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, हर संडे आपका टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे बेटा नहीं जुड़े हैं वो आज ही बैच से जुड़ जाएं बिना देर किए हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, 1 एम्पियर की परिभाषा, चलो लिख लेते हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो, क्या परिभाषा बनाया था हमने, यदि किसी चालक से 1 सेकंड में, कितने समय में, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, कितना आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक तार से बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। या इसी को थोड़ा सा अगर आप परिवर्तित और करो, तो आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि 1 कूलाम में, 1 कूलाम में कितने आवेश होते हैं, 1 कूलाम में कितने आवेश होते हैं बेटा, बोलो कमेंट सेक्शन में जल्दी छापो, तो 1 कूलाम में कितने आवेश होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बखूबी बताया था चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बताया था। कितने होते हैं? 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं में, कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी चालक से 1 सेकंड में अगर 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तब भी उस चालक तार से बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो ये आप दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो, हमें लिखना पड़ेगा या आप लोग लिख लोगे ना, इतने तो समझदार हो ही, इतना तो हम मान सकते हैं कि इतना आप कर लोगे ना, कि क्या कर सकते हो, यदि किसी चालक से 1 सेकंड में बहने वाली, या 1 सेकंड में, ठीक है,
यदि किसी चालक तार से एक सेकंड में 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक, आगे बात समझ में। चलिए एक चीज, अब अगर हम बात करें विद्युत धारा की तो ये राशि कैसी है, सदिश या अदिश? अगर हम आपसे बात करें विद्युत धारा की, किसकी विद्युत धारा, अगर इसकी बात की जाए बेटा तो ये कैसी राशि है? विद्युत धारा जो है ये आपकी अदिश राशि है। कैसी? अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि। ठीक है, आगे इसकी अगर बीमा देखी जाए, बीमा, इसकी बीमा क्या होगी? इसके बीमा के लिए यानी जो I की बीमा होगी इसके लिए क्या हो जाएगा? Q की बीमा और नीचे T की बीमा। तो Q की बीमा क्या होती है? AT। और T की बीमा क्या होती है? T। ठीक, तो T से T आपका खत्म, कितना आ गया? A। तो जो धारा की बीमा होती है वो कितनी होती है? A, यानी कि एम्पियर। धारा को किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर से। और धारा की बीमा A होती भी है, जो कि अभी प्रूफ हो गया। ठीक, इतनी बात यहां तक आप सभी को समझ में आ गई? बोलो जल्दी, इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो तुरंत एक छोटा सा क्वेश्चन करो और इस फार्मूले का डाउट क्लियर करो। चलो क्वेश्चन लिखो। यदि किसी बिंदु से, ठीक है, यदि किसी बिंदु P से Q की ओर, यदि किसी बिंदु P से Q की ओर, मान लेते हैं ये हमारा एक कोई बिंदु है P और ये है Q यहां पर। ठीक, यदि किसी बिंदु P से Q की ओर 10^9 इलेक्ट्रॉन, 10^9 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जो Q है, कितने इलेक्ट्रॉन? 10^9 इलेक्ट्रॉन। कितने समय में? T बराबर 10^-8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में गुजरते हैं तो इस चालक PQ से बहने वाली धारा का मान क्या होगा? इस चालक तार से बहने वाली धारा का मान क्या होगा? चलो देखो, क्वेश्चन पूरा लिख दूं? चलो क्वेश्चन पूरा लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु P से Q की ओर 10^9 इलेक्ट्रॉन दस की घात माइनस आठ सेकेंड में प्रवाहित होते हैं तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान ज्ञात कीजिए, फार्मूला लगा लो। धारा I बराबर Q बटे में T, Q का मान इतने इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन जो Q का मान होता है वो क्या होता है? उसका मात्रक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन दिया है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इतने इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये N का मान दिया है, इतने इलेक्ट्रॉन। Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 10^9। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 10^9 और गुड़े E का मान होता है 1.6 × 10^-19 कूलाम। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो प्लस नौ माइनस उन्नीस कितना हो जाएगा? माइनस का 10, तो 1.6 × 10^-10 कूलाम। इतने कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, इतने कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो Q का मान रख लो 1.6 × 10^-10 और बटे 10^-8। तो 10^-8 ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी? +8 - 10 + 8 कितना हो जाएगा? -2। तो 1.6 गुणे
10 की घात माइनस 2 एम्पियर। कितनी धारा प्रवाहित हो रही बेटा? 1.6 × 10⁻²⁺ एम्पियर। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में सभी को? चलिए, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, धारा घनत्व की बात करें। किसकी बात करें? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है जरा इसको समझो। धारा घनत्व, धारा घनत्व की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक है ईबी, ठीक, मान लेते हैं ये हमारा कोई चालक है पी क्यू, ठीक। अब कोई भी तार होगा, उस तार की कुछ ना कुछ मोटाई होगी, ठीक। और मान लेते हैं इसके अनुप्रस्थ काट का, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसकी जो मोटाई है उसका एरिया कितना है? ए है। मान लेते हैं ये जो हमारा चालक तार पी क्यू है, इसकी जो मोटाई है, ठीक है, इस मोटाई का जो क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए अगर यही आपका चालक तार है, तो इस तार को अगर हम यहां 20 से कट करें तो हमें देखो कुछ इस प्रकार से सेक्शन मिलेगा। ये तो खोखला है, ठीक है, लेकिन हमें क्या मिलेगा? सॉलिड टाइप का मिलेगा। तो इस पूरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा, इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं ये कितना है? ए, ठीक। तो अगर हम बात करें धारा घनत्व की, तो धारा घनत्व की क्या परिभाषा होती है? एकांक क्षेत्रफल से, एकांक किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, यानी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? किसी चालक के, किसी चालक के एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल से, परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व तो कहते हैं। किसी चालक के एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, और इसे जो है स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यानी कि स्मॉल जे इक्वल टू, स्मॉल जे इक्वल टू आई बटे ए, स्मॉल जे इक्वल टू आई बटे ए। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा? आई का मात्रक एम्पियर, और ए क्या चीज है? ए जो है क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। क्या बनेगा? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। और बीमा क्या होगी? बीमा किसकी? बीमा धारा घनत्व जे की बीमा। यानी इसके लिए हमें लिखनी होगी आई की बीमा और फिर नीचे ए की बीमा। आई की बीमा क्या होती है? ए। और ये क्या है? क्षेत्रफल। ए जो ए है, इस ए का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? एल स्क्वायर। मात्रक क्या? मीटर स्क्वायर। और मीटर की बीमा क्या होती है? एल। तो एल स्क्वायर हो गया। ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? ए एल की पावर माइनस टू, ए एल की पावर माइनस टू। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम की पावर जीरो, एल की पावर माइनस टू, ए और टी की पावर जीरो, ठीक है। ये जो है आपकी क्या हो गई? किसकी बीमा? धारा घनत्व की बीमा हो गई। किसकी बीमा हो गई बेटा? धारा घनत्व की बीमा हो गई। क्लियर है यहां तक? अच्छे से बात समझ में आई? कोई समस्या नहीं? कोई डाउट बिल्कुल नहीं? कोई परेशानी नहीं? ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक फार्मूला ड्राइव हुआ ना, जे बराबर क्या होता है? I अपान ए। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है,
किसी तार की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, मान लेते हैं कोई तार है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कोई चालक तार है PQ, और इस अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ, मान लेते हैं कितना है, 4×10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। कितना है? 4×10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ठीक, यदि इसमें 5 एम्पियर की धारा, इसमें धारा कितनी जा रही है, 5 एम्पियर की, कितनी धारा जा रही है, 5 एम्पियर की, ठीक, तो इसका धारा घनत्व कितना होगा, तो धारा घनत्व क्वेश्चन पहले लिख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी चालक जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, 4×10⁻⁸ मीटर स्क्वायर है, में 5 एम्पियर की धारा, कितनी, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, कितनी, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो उस चालक, तो उस चालक का धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, यह हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्या है बेटा, हमारा क्वेश्चन है। अब यहीं पे यह मान लेते हैं हमारा कोई चालक है जिसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, 5 एम्पियर की, और इसके जो अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल है वो कितना है, 4×10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व का फार्मूला अप्लाई कर दो, धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाएगा, I बटे में A। I का मान कितना दिया है बेटा, I का मान दिया है 5, A का मान 4×10⁻⁸, तो ये जो 10⁻⁸ है ये ऊपर जाएगा, +8 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 5×4×10⁸। अब 5 में 4 से भाग करोगे कितना जाएगा, एक बार जाएगा, दशमलव लगाओगे 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दशमलव हासिल एक बचेगा, दशमलव लगाओगे 10, ठीक, अब फिर 4 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक, फिर 2 बार जाएगा, फिर कितना बचा, 2, शेष 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, तो 4×5=20×10⁸, ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। देखो भाग देने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो इस प्रकार से भाग दे लो, 4 से भाग करना है किसमें, 5 में, किसने में करना है, 5 में, 4×1=4, 4×2=8, यानी 2 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे तो बराबर जाएगा, ठीक, 1 बार ले गए कितना आएगा, 4, घटाओगे कितना आ जाएगा, 1, अब जाएगा नहीं तो यहां बढ़ाएंगे दशमलव, क्या बढ़ाएंगे, दशमलव, ठीक, जैसे ही दशमलव बढ़ाएंगे तुरंत यहां आ जाएगा 0, क्या जाएगा, 0, अब क्या हो गया, 10, 4×2=8, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार ट्राई करो, 4×3=12, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा तो हमें चाहिए नहीं, हमें कम ही चाहिए, ये बराबर या फिर कम, ठीक, तो 4×2=8, 2 बार माइनस, अब फिर कितना आया हासिल, 2, ठीक है, 2 आ गया, और फिर दशमलव लगा है 0, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर 4 का टेबल 20 में पढ़ोगे कितना आ जाएगा, 4×4, 4×2=8, 4×3=12, 4×6=16, 4×5=20, कितनी बार गया, 5 times, तो ये आ गया 20, कैंसिल, तो पूरा कितना है, 1.25, मात्रक क्या होगा, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ये हमारा रफली वर्क है जो आप सभी को समझाने के लिए किया गया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्युत चालन की, किसकी, विद्युत चालन, चलिए हेडिंग लगाइए विद्युत चालन, ये क्या चीज है, विद्युत चालन की अगर हम बात करें, ठीक है,
तो किसी भी आवेशित कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कहां तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, ठीक है, किसी भी आवेशित कण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक आवेशित कण मान लेते हैं, ये क्या है, मान लेते हैं कोई ये स्मॉल क्यू, ये हमारा क्यू कूलाम का आवेशित कण है। अब इस आवेशित कण को एक बिंदु मान लेते हैं, ये ए है, इस बिंदु ए से कहां तक, बिंदु बी तक, इसको यहां से यहां तक, इस आवेश को यहां से यहां तक स्थानांतरण करने में, ठीक है, इसका यहां से यहां तक स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, विद्युत का चालन कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी आवेशित कण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी ये आवेशित कण चलते चलते यहां पहुंच जाए, ठीक, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विद्युत चालन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, विद्युत चालन कहलाएगी। ठीक, परिभाषा लिख लो, किसी आवेशित कण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता, ठीक है, किसी भी आवेशित कण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता। अगर हम विद्युत चालन की बात करें, जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें, हम किसी दरों की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम किसी दरों की बात करते हैं, जैसे दरों में मान लो हमने ले लिया कोई अम्ल ले लिया या कोई क्षार ले लिया, ठीक है, कोई अम्ल ले लिया या फिर कोई क्षार ले लिया, या ठीक है अम्लीय विलयन ले लिया, कोई भी चीज ले लिए, तो इन सब में अगर हम देखें जो चालन की प्रक्रिया होती है, यानी जो विद्युत चालन होता है, वो आपके धन आयन, ठीक है, ऋण आयन और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, किसी भी द्रव की अगर हम बात कर लें, लिक्विड की बात कर लें, चाहे वो आपका अम्ल हो, क्षार हो, या अम्लीय विलयन हो, या क्षारीय विलयन हो, या किसी भी प्रकार का कोई विलयन हो, ठीक है, जिसमें विद्युत का चालन अगर हो रहा है तो, ठीक है, कोई ऐसा विलयन है जिसमें विद्युत का चालन हो रहा है, इसमें जो विद्युत का चालन होता है वो किन किन चीजों के, किन किन कारणों से होता है, वो धनायन के कारण होता है, ऋणायन के कारण होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों के भी कारण होता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया, ये जो द्रव है, द्रव में जो चालन की प्रक्रिया होती है, चालन की यानी विद्युत चालन की जो प्रक्रिया होती है, इसको विद्युत अपघटन नाम दिया गया। किस नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन, क्या कहलाता है, यह हमारा कहलाता है विद्युत अपघटन। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही हम द्रव के अलावा अगर हम किसी गैस की बात करें, गैस में तो वैसे भी नॉर्मल, ठीक है, गैसें जो हैं, ठीक है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करें तो नॉर्मल प्रेशर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रेशर पर जो गैसें होती हैं इसमें विद्युत का कोई भी चालन नहीं होता, लेकिन इनका प्रेशर अगर हम कम कर दें और नॉर्मल टेम्परेचर रखें तो इनमें चालन होने लगता है। तो जो इनमें चालन होता है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, इनमें जो चालन होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन और धन आयन के कारण होता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन और धन आयन के कारण होता है। और इस प्रक्रिया को अगर गैस में कोई विद्युत की चालन हो रहा है तो गैस में जो होगा उसे हम विद्युत विसर्जन कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत विसर्जन कहेंगे। ठीक है, अगर द्रव में है, द्रव में चालन की प्रक्रिया हो रही है तो उसे विद्युत अपघटन, गैस में चालन की प्रक्रिया हो रही तो विद्युत विसर्जन, और अगर किसी सॉलिड की बात हो रही है, अगर हम किसी ठोस की बात करेंगे, ठोस में अगर कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत चालन कहेंगे।
ठीक है, यानी फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए जो आवेश होते हैं, ठीक, जो आवेश होते हैं वो आवेश अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, चालन कहलाती है, ठीक है। लेकिन यही चालन की प्रक्रिया अगर द्रव में हो रही है, अगर कोई द्रव है और उस द्रव में कोई आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो भाई जाहिर सी बात है अगर आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इसमें जो धारा का ये जो प्रवाह है ये हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन कहलाएगा। लेकिन अगर द्रव के अलावा हम कोई गैस ले लें तो गैस में ये जो प्रक्रिया है, आवेश अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो धारा का प्रवाह होगा और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विद्युत विसर्जन कहलाएगी। और अगर ठोस की बात करेंगे तो विद्युत चालन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत चालन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए किसी भी ठोस पदार्थ यानी कि चालक में, कोई ठोस चालक है उसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है इसको समझते हैं, ठीक है। चलो ठोस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह, या सीधे लिखो किसी चालक में, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह, किसी भी चालक की अगर हम बात करें तो किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता कैसे, जरा ध्यान से समझो भाई। देखिए बहुत ही, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी पदार्थ की बात करें तो जो हमारे ये पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ये जो हमारे पदार्थ होते हैं ये कैसे बने होते हैं, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। कैसे बनते हैं, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें तो जो पदार्थ होता है ये कैसे बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु के अंदर हमारे क्या होते हैं बेटा, किसी भी परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु में क्या होता है, एक छोटा सा नाभिक होता है, नाभिक। और इस नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और नाभिक के चारों ओर क्या होती है, वृत्ताकार इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं। और इस वृत्ताकार कक्षाओं में ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। किसी भी, जैसे मान लो ये हमारा नाभिक है, तो किसी भी नाभिक की अगर हम बात करें तो नाभिक में क्या होता है, यानी परमाणु की अगर बात करें, परमाणु, सॉरी नाभिक नहीं परमाणु, तो परमाणु की अगर हम बात करें, परमाणु, तो परमाणु में तीन चीजें, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, परमाणु के अंदर होगा न्यूट्रॉन और इसके साथ साथ होगा प्रोटॉन। और ये दोनों कहां होंगे, ये दोनों होंगे नाभिक के अंदर, कहां होंगे, नाभिक के अंदर, ठीक है बेटा। और उसके बाद एक होता है इलेक्ट्रॉन, ये कहां होगा, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के द्वारा आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो जो कक्षा नाभिक के जितने नजदीक होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल उतना ज्यादा होता है, जो कक्षा जितने दूर होती है धीरे धीरे आकर्षण बल का मान क्या होता है, घटता जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे आकर्षण बल का मान घटता जाता है, ठीक, क्लियर। और सामान्य ताप पर सामान्य टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो नाभिक है और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं, इसका जो बाहरी कक्षक है, बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षा छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कक्षा छोड़ देते हैं और पदार्थ के अंदर क्या करते हैं, फ्री, एकदम फ्री रूप से मूव करने लगते हैं, यानी मुक्त होकर गति करने लगते हैं। अब किसी भी परमाणु की अगर हम बात करें तो, सॉरी, किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें तो पदार्थ में एक के परमाणु तो नहीं ना होगा, कई सारे परमाणु होंगे, असंख्य परमाणु होंगे। तो अगर असंख्य परमाणु होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, अगर हर एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री होगा तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, काफी सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। और जब काफी सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो यही क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्वक क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। और जब इनमें धारा का प्रवाह किया जाता है यानी विद्युत धारा अप्लाई की जाती है तो
तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, एक निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने। अगर इसको हम इधर बैटरी का धन सिरा लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर की तरफ, और अगर हम माइनस सिरा लगाएंगे तो इधर, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब जिस पदार्थ में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उस पदार्थ की विद्युत चालकता उतनी ज्यादा होगी, यानी उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा उतनी ज्यादा तेजी से होगा। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसमें धारा का प्रवाह कम होगा, अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या है ये नहीं है तो उसमें धारा का प्रवाह होबे नहीं करेगा। ठीक, प्रोसेस समझ में आया, किसी भी चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता समझ में आया। किसी भी चालक पदार्थ की अगर हम बात कर लें तो चालक पदार्थ क्या होता है, ढेर सारे यानी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और हर एक परमाणु में क्या होता है, एक छोटा सा नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये जो वृत्ताकार कक्षा का जो एकदम बाहरी कक्षा होता है, एकदम लास्ट वाला, उसका नाभिक के साथ आकर्षण बल बहुत कम होता है, तो जो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षा छोड़कर बिल्कुल मुक्त होकर घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से किसी पदार्थ की अगर हम बात करें तो किसी भी पदार्थ में ढेर सारे परमाणु हैं तो ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही क्या होता है, किसी भी पदार्थ में विद्युत का चालन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चालक में विद्युत धारा। ठीक है, और जिस भी पदार्थ में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी उस पदार्थ की चालकता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। देखिए नोट्स जो डेफिनेशन है वो सारी चीजें मैं आपको ऐप पर बिल्कुल लिख, ठीक है, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बस आप समझते चलो, इतनी चीज समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़े। आगे अब इसमें एक नया शब्द आया चालकता, तो चालकता की बात करनी है। चालकता के साथ साथ अब हम बात करेंगे अपवाह वेग की, अपवाह वेग की। ठीक है, ये इन सभी टॉपिक पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, कल बात करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ कमेंट करके कि सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई या कहीं किसी टॉपिक में कोई डाउट है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए सभी लोग वीडियो को लाइक करके बेल आइकन का बटन दबा लो, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।